सबसे पहले भी साइट पे आ जाना है, ठीक है। ये साइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। ये बिहार सरकार के कृषि विभाग का साइट है, ठीक है। तो धान में, धान पैक्स में धान बेचने के लिए आवेदन को शुरू कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर बता रहा है खरीफ धान अधिप्राप्ति 22-23, ठीक है ना, यहाँ पर न्यू लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आवेदन करें, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है आवेदन करें। इस साइट पे आ जाना है सबसे पहले आपको, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कृषि विभाग बिहार सरकार के, ठीक है, इस साइट पे आ जाना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिहार, यहाँ पर खरीफ लिख रहा है, ठीक है। आवेदन करें, इस पर आवेदन करने, यहाँ पर देखिए आवेदन करे हैं, प्रिंट करे हैं, सुधार करें, ठीक है। आवेदन करने के बाद यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, और जैसे आवेदन कर दें उसमें सुधारने के लिए यहाँ पर सुधार का भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आवेदन करने पर क्लिक कर देंगे। आवेदन करने पर ये पोर्टल आपको खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए खरीफ धान अधिक 22-23 खुल गया, ठीक है। और इस साइट पर आने का पंजीकरण संख्या, जो आपको रजिस्ट्रेशन, किसान रजिस्ट्रेशन होता है उसी को पंजीकरण संख्या बोलते हैं, पंजीकरण संख्या डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सर्च पे सबसे पहले यहाँ पर समझें कि यहाँ पर क्या प्रक्रिया पर नीचे देखिए बताया गया है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है कि कौन आदमी कितना धान तक बेच सकते हैं, ठीक है, कौन आदमी कितना धान तक बेच सकते हैं। देखिए 55 नंबर में है बताया गया, 55 नंबर बताया गया है, ठीक है, ठीक है। रैयत किसान के लिए अधिकतम धान की मात्रा 250 क्विंटल, ठीक है। रैयत किसान मतलब रैयत मानो होता है कि जिनको अपना खुद का ज़मीन है, जो खुद का रसीद है, ठीक है, वो आदमी 250 क्विंटल तक बेच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, धान को बेच सकते हैं, ठीक है। एक होता है कि बटाईदार जो होते हैं एक दूसरे के खेती लेके करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है, गैर रैयत के लिए, ठीक है, गैर रैयत के लिए अधिकतम धान की मात्रा 100 क्विंटल, ठीक है। गैर रैयत के लिए अधिकतम धान की मात्रा है 100 क्विंटल, ठीक है। तो जो एक दूसरे के बटाईदार लेके कर रहे हैं उनके लिए अधिकतम वो 100 क्विंटल तक बेच सकते हैं, उससे अधिक नहीं बेच सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस तरह बताया गया, और यहाँ पर कोई सूची होता है, यहाँ पर तकनीकी समस्याओं के लिए टोल फ्री भी नंबर दिया गया है, इस पर भी अपना बात करते समझ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। और यहाँ पर पंजीकरण संख्या डालेंगे, पंजीकरण संख्या डालने के बाद जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल आपका खुल जाएगा, जो इसमें आपको पोर्टल में डाला गया था किसान रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है। तो वही मेरे पास किसान पंजीकरण अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और जो मेरे पास अभी अवेलेबल हुआ किसान पंजीकरण, तो आपको एक फॉर्म भर के दिखा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर जो अभी तक तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और सबसे ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम जो नया वीडियो जो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पहुँच सकते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले आपको चैनल पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।